हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है माँ के पैर। रात 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का एक जूतों की दुकान में आता है। गांव का रहने वाला था पर तेज था। उसका बोलने का लहजा गांव वालों की तरह का था पर बहुत ठहरा हुआ लग रहा था। लगभग 22 वर्ष का रहा होगा। दुकानदार की पहली नज़र पैरों पर ही जाती है। उसके पैर में लेदर के सूज थे, सही से पॉलिश किए हुए थे। दुकानदार, क्या सेवा करूं? लड़का, मेरी माँ के लिए चप्पल चाहिए किंतु टिकाऊ होनी चाहिए। दुकानदार, वे आई हैं क्या? उनके पैर का नाप? लड़के ने अपना बटुआ बाहर निकाला, उसको 4 बार फोल्ड किया, एक कागज़ पर पेन से आउटलाइन बनाई दोनों पैर की। दुकानदार, अरे मुझे तो नाप के लिए नंबर चाहिए था। वह लड़का ऐसे बोला मानो कोई बांध फूट गया हो। क्या नाप बताऊं साहब, मेरी माँ की ज़िंदगी बीत गई, पैरों में कभी चप्पल नहीं पहनी। माँ मेरी मजदूर है, कांटे झाड़ी में भी जानवरों जैसे मेहनत करके मुझे पढ़ाया, पढ़कर अब नौकरी लगी। आज पहली तनख्वाह मिली, दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए क्या ले जाऊँ, तो मन में आया कि अपनी पहली तनख्वाह से माँ के लिए चप्पल लेकर जाऊँ। दुकानदार ने अच्छी टिकाऊ चप्पल दिखाई जिसकी 800 रुपये कीमत थी। चलेगी क्या? वह उसके लिए तैयार था। दुकानदार ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह है तेरी? अभी तो 12,000 रहना खाना मिलाकर 7-8 हज़ार खर्च हो जाते हैं यहाँ, और 2-3 हज़ार माँ को भेज देता हूँ। अरे फिर 800 रुपये कहीं ज़्यादा तो नहीं? तो बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं कुछ नहीं होता। दुकानदार ने बॉक्स पैक कर दिया, उसने पैसे दिए, खुशी खुशी वह बाहर निकला। चप्पल जैसी चीज़ की कोई किसी को इतनी महंगी भेंट नहीं दे सकता, पर दुकानदार ने उसे कहा, थोड़ा रुको। दुकानदार ने एक और बॉक्स उसके हाथ में दिया, यह चप्पल माँ को तेरे इस भाई की ओर से गिफ्ट। माँ से कहना पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन लेना, नंगे पैर नहीं घूमना और इसे लेने से मना मत करना। दुकानदार की और उसकी दोनों की आंखें भर आईं। दुकानदार ने पूछा, क्या नाम है तेरी माँ का? लक्ष्मी, उसने उत्तर दिया। दुकानदार ने एकदम से दूसरी मांग करते हुए कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और क्या मुझे एक चीज दोगे? वह पेपर जिस पर तुमने पैरों की आउटलाइन बनाई थी, वही पेपर मुझे चाहिए। वह कागज़ दुकानदार के हाथ में देकर खुशी खुशी चला गया। वह फोल्ड वाला कागज़ लेकर दुकानदार ने अपनी पूजा घर में रखा। दुकान के पूजा घर में कागज़ को रखते हुए दुकानदार के बच्चों ने देख लिया था और उन्होंने पूछ लिया कि ये क्या है पापा। दुकानदार ने लंबी सांस लेकर अपने बच्चों से बोला, लक्ष्मी जी के पैर हैं बेटा, एक सच्चे भक्त ने उसे बनाया है, इससे धंधे में बरकत आती है। बच्चों ने, दुकानदार ने और सभी ने मन से उन पैरों को प्रणाम किया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।